इस YouTube चैनल पे। तो देखिए, हम लोग इस वीडियो में देखेंगे आज 12वां क्लास का इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र सेट 2। ठीक है, तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं बिना समय गवाए। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि आदर्शक अर्थशास्त्र, ठीक है, के संबंध में क्या साहित्य है। तो इसके संबंध में क्या साहित्य है, तो ऑप्शन दिया हुआ है 4। देखिए, हम आप लोगों को ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ हम आपको क्वेश्चन आंसर जो है सिर्फ टिक लगवाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन एक का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आदर्शक अर्थशास्त्र का कार्य परामर्श देना है। ठीक है, बस वही हम लगाएंगे। अगर सब पढ़ेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, और वीडियो लंबा हो जाएगा तो दिक्कत होगा, क्योंकि आपको भी अच्छा नहीं लगेगा देखने में, है ना। तो चलिए, आपका पहला का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन है कि किस अर्थशास्त्र में केंद्रीय समस्याओं का समाधान बाजार शक्ति के द्वारा होता है। तो ऑप्शन दिया हुआ है 4, इसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन 3 में है कि उत्पादन संभावना वक्र का दाहिनी ओर वितरित होने का क्या कारण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, तकनीकी विकास। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि एक किसान 100 टन धान उत्पादन करने के लिए 120 क्विंटल गेहूं के उत्पादन का त्याग करता है। ठीक है, तो धान उत्पादन के लिए अवसर लागत क्या होगी। तो धान उत्पादन के लिए अवसर लागत ऑप्शन नंबर सी 120 क्विंटल, ठीक है, गेहूँ। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कि एक विवेकशील उपभोक्ता के लिए दो वस्तुएं रसगुल्ला और गुलाब जामुन के निम्न बंडलों का सही अधिमान क्रम क्या होगा। ठीक है, तो इसका क्या होगा, सही ऑप्शन हो जाएगा आपका, देखिए सबसे कह रहा है क्या कह रहा है, रसगुल्ला और गुलाब जामुन। तो रसगुल्ला और गुलाब जामुन किसमें अधिक है, सबसे पहले देखिए 3 ऑप्शन दिया हुआ ए बी सी। ठीक है, तो ये में है 5 रसगुल्ले, 6, फिर दूसरा में 4-5 और तीसरा में 3-5 है। ठीक है, तो आपका किस तरह से सही हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए इसमें है कि सबसे ज़्यादा सी कहाँ पे है, सी है, फिर उसके बाद ये है, उसके बाद फिर बी है, आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि निम्नलिखित में किसका अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। तो दिया हुआ 4 ऑप्शन, इस 4 ऑप्शन में से कौन सा सही हो जाएगा, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सामान्य कीमत स्तर का निर्धारण। ठीक है, 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए कि 7वां में दिया हुआ है कि किसी वस्तु के उपभोग में एक अतिरिक्त इकाई में परिवर्तन करने पर कुल उपभोग उपयोगिता में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं। तो क्या कहा जाता है, तो सीमांत उपयोगिता कहा जाता है। ठीक है, फिर चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है कि कुल उपयोगिता अधिकतम होगी जब सीमांत उपयोगिता का मान क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 में दिया हुआ है कि उदासीन वक्र के संबंध में कौन सा कथन गलत है। ठीक है, तो कौन सा कथन गलत है, तो वह उदासीन वक्र ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कि डी हो जाएगा। ठीक है, दोनों उदासीन वक्र एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 10 में कहती किसी वस्तु की कीमत 4% की वृद्धि होने से उसकी मांग की मात्रा में 8% की कमी होती है, तो मांग की कीमत लोच का मान क्या होगा। तो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे देखिए, तो कौन सा सही आंसर हो जाएगा आपका, देखिए क्या क्या समझिए यहाँ पे कि 8% और यहाँ पे 4 है। ठीक है, इसको भाग देंगे तो कितना, 2 बार में कटेगा, जहाँ पे 2 लिखा हुआ, चलिए यहीं पे बी में है, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए 11वां नंबर क्वेश्चन देखिए कि क्या कहता है कि एक बजट रेखा अपनी दाहिनी ओर वितरित होगी जब, कब होगी। तो दिया हुआ ऑप्शन यहाँ पे 4, इसमें से आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो आपका सही आंसर हो जाएगा उपभोक्ता की आय में वृद्धि होगी तब। ठीक है, चलिए 11वां नंबर क्वेश्चन देख लिया हम लोग, 12वां देखते हैं। 12वां में क्या है कि निम्न रेखा चित्र, जैसे में कि आप चित्र देख पा रहे होंगे, ठीक है, निम्न रेखा चित्र में मांग रेखा ए बी के बिंदु जी का मान की लोच क्या होगी। तो जी के मान की लोच क्या होगी, तो देखिए जब बीचों बीच में रहता है जी का मान तो 0 होगा, लेकिन अगर इधर रहेगा तो कम और उधर रहेगा तो अधिक। ठीक है, तो इधर है तो जी का मान इधर है, बीच से इधर है तो क्या होगा, बीच से इधर है तो इसका मान 1 से कम होगा। ठीक है, चलिए 13वां नंबर क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए कि उदासीन वक्र का विश्लेषण, उदासीन वक्र विश्लेषण में से एक उपभोक्ता संतुलन की शर्त क्या है। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ 4 यहाँ पे, उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी।
ठीक है। चलिए 14वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि यदि उपभोक्ता की आय में वृद्धि से वस्तु एक्स की मांग कम हो जाती है तो वस्तु एक्स होगी, वस्तु एक्स क्या होगी तो क्या होगी कि वस्तु घटिया वस्तु होगा, ठीक है, घटिया वस्तु होगा तभी ना मांग उसका घट जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से दो वस्तुओं का कौन सा संयोग पूरक वस्तु का एक संयोग है, तो इसमें चार ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें चार में से सही आंसर हो जाएगा चाय और चीनी, ठीक है। चलिए 16वां नंबर क्वेश्चन देखिए कि किसी वस्तु का उत्पादन मात्रा और उत्पत्ति के साधनों के बीच भौतिक संबंध को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ऑप्शन दिया हुआ है चार, इसमें से सही आंसर हो जाएगा उत्पादन फलन, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 17वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद दोनों बराबर होते हैं जब, कब होता है बराबर, औसत उत्पादन अधिकतम होता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए 18वां क्वेश्चन देखिए कि यदि कुल लागत टीसी उत्पादन की मात्रा क्यू तो सीमांत लागत का सूत्र होगा, तो कौन सा सूत्र हो जाएगा, डेल्टा टीसी बटे डेल्टा क्यू, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 19वां नंबर समझिए कि पैमाने का प्रतिफल का संबंध किस काल से है, तो किस काल से दिया हुआ है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है चार, इसमें से चौथा में हाँ कौन सा, ऑप्शन नंबर सी दीर्घकाल होगा, ठीक है, चलिए दीर्घकाल से संबंध है। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन है कि किस काल में उत्पादन के साधनों को स्थिर और परिवर्तित साधनों में विभक्त किया जाता है, तो किस में विभक्त किया जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है चार, तो चार में से कौन सा सही हो जाएगा आपका, हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अल्पकाल, ठीक है। देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, 21 स्टार्ट करेंगे, उससे पहले देखिए आप लोग अगर चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आपको इस चैनल के ऊपर आर्ट्स का जितना भी सब्जेक्ट का मॉडल सेट आएगा एक एक करके सबको हम अपलोड करेंगे, उसका सॉल्यूशन देने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। और इस चैनल के ऊपर आपको पता है कि क्लास 9, 10, 11, 12 सभी का तैयारी करवाया जाता है, ठीक है। तो हम लोग अगले वीडियो में जो देखेंगे वो ज्योग्राफी का होगा, सेट नंबर 2 का आएगा, ठीक है। तो चलिए जो ज्योग्राफी वाले हैं उसका मॉडल से क्वेश्चन आंसर बन के तैयार है, अब सिर्फ वीडियो अपलोड होना बाकी है, ठीक है, तो इस वीडियो के बाद वही अपलोड होने वाला है। तो चलिए देखिए आगे यहाँ पे परिवर्तनशील अनुपात, परिवर्तनशील अनुपात के नियम के अनुसार एक विवेकशील उत्पाद उत्पादन के किस स्तर पर उत्पादन करना चाहता है, उत्पादक उत्पादन के किस स्तर पर उत्पादन करना चाहता है, तो ऑप्शन दिया हुआ चार, इसमें से क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, बी होगा सही। औसत निम्नलिखित में से कौन औसत उत्पाद की विशेषता नहीं है, तो विशेषता नहीं है, तो देखिए यहाँ पे आप पढ़िएगा चारों ऑप्शन, उसके बाद पता चलेगा इसका सही आंसर हो जाएगा। औसत उत्पादन का मान शून्य अथवा ऋणात्मक भी हो सकता है, ठीक है। चलिए 23वां नंबर क्वेश्चन देखिए कि जब सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद से कम होती है तब औसत उत्पाद में क्या होता है, ऑप्शन दिया हुआ है चार, इसमें से पैमाने का माफ कीजिएगा, इसमें ऑप्शन नंबर क्या है, वृद्धि होती है, कोई परिवर्तन नहीं होता, हाँ कमी होती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे ध्यान दीजिए कि यदि उत्पत्ति के सभी साधनों को दुगुना करने पर उत्पादन में तीन गुना की वृद्धि होती है तो इसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पैमाने का विद्यमानीय प्रतिफल, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। उत्पादन के सापेक्ष कुल आगम में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, तो क्या कहलाती है, ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे चार, इसमें से क्या कहलाएगा, सीमांत आगम, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन, 26 में दिया हुआ है कि कुल लागत टीसी और कुल स्थिर लागत टीएफसी और कुल परिवर्तनशील लागत टीवीसी में क्या संबंध है, तो देखिए क्या संबंध है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा टीसी बराबर टीएफसी माइनस टीवीसी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए 27वां नंबर क्वेश्चन देखिए कि जब किसी वस्तु की मांग तथा पूर्ति में समान दर से वृद्धि होती है तो संतुलन कीमत में क्या होता है, तो संतुलन कीमत में ऑप्शन चार दिया हुआ है, इसमें से कौन सा सही हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर सी, देखिए कोई परिवर्तन नहीं होता है। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए किसी वस्तु की मांग डी तथा पूर्ति एस हो तो मांग अधिक की स्थिति को क्या दर्शाया जा सकता है, किसमें दर्शाया जा सकता है, तो दिया हुआ है ऑप्शन यहाँ पे, इसमें कौन सा होगा, ये तथा बी दोनों होगा, ठीक है, ये और ये दोनों होने वाला है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन को आप समझिए, किसी वस्तु की मांग की तुलना में पूर्ति में अधिक वृद्धि होने की समय मात्र में है, किसमें है, तो दिया हुआ है वृद्धि होगी, ठीक है,
वृद्धि होगी, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। किसी वस्तु की कीमत 5% की वृद्धि करने से उसकी पूर्ति की मात्रा में 4% की वृद्धि हो जाती है तो पूर्ति की कीमत लोचमान क्या होगा, इसकी कीमत लोचमान हो जाएगा आपका 0.8, ठीक है, 5/4 कर दीजिए, 5/4। अब जब इसको हम लोग हल करेंगे, नहीं 4/5 होगा, उल्टा हम बता दे रहे हैं आपको, 4/5 कर दीजिए आप। जब इसको हम लोग काटेंगे तो कितना नहीं जा रहा है, तो डेसिमल देंगे यहाँ पे और 0, 8/5, 40, तो 8 भर में आपका पूरा कट जा रहा है, तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखिए कि मुक्त प्रवेश और निकास की स्थिति में मांग में वृद्धि का बाजार संतुलन पर क्या प्रभाव होगा, तो ऑप्शन दिया हुआ है 4 में से कौन सा सही हो जाएगा, तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। मांग की अधिकाई की स्थिति में सामय कीमत में क्या होगा, तो इसमें वृद्धि होगी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए कि एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म के लिए अल्पकालीन पूर्ति वक्र होगा, तो अल्पकालीन पूर्ति वक्र क्या होगा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, न्यूनतम एवीसी से ऊपर एसएमसी का बढ़ता भाग। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखिए पूर्ण प्रतियोगी फर्म के लिए ए आर और एम आर में क्या संबंध है, तो ए आर बराबर एम आर, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन आप देखिए ध्यान से, 35 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि समरूप वस्तुओं की उपलब्धता किस प्रकार की बाजार संरचना की विशेषता है, तो क्या है, तो ये है आपका पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की, ये है, ठीक है। आगे देखिए 36 नंबर, टी आर वक्र की ढाल को क्या कहा जाता है, तो टी आर वक्र की ढाल को क्या कहा जाता है, तो कहा जाता है एम आर, ठीक है। चलिए आगे देखिए 37 नंबर क्वेश्चन, 37 में दिया हुआ है कि किस प्रकार की बाजार संरचना में कीमत सीमांत लागत से अधिक होती है, तो किस प्रकार की में होती है, तो ये आपका हो जाएगा एक अधिकार बाजार में, ठीक है, ऑप्शन सी। जब सीमांत आगम का मान शून्य होता है तब वस्तु की मांग की कीमत लोच का मान होगा, तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक से कम, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 39, और आपका दिख रहा होगा लास्ट 40, तो हम लोग 39-40 देख लेते हैं कि एक अधिकार के अंतर्गत ये आर ओ वक्र और एम आर वक्र में क्या संबंध है, तो क्या संबंध है, तो यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाए, हाँ ये आर, हाँ ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, ये आर सी बी एम आर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा, ये आर बड़ा होगा, ये आर ग्रेटर देन एम आर, ठीक है। चलिए ऑप्शन दिया हुआ सी आपका सही हो गया। आप चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखिए कि एक अधिकार के लिए उत्पादन के विभिन्न स्तर पर एम आर और एम सी को निम्न तालिका से दर्शाया गया है, संतुलन की अवस्था में वस्तु की कितनी इकाई का उत्पादन होगा, जब संतुलन होगा तो वस्तु की कितनी इकाई उत्पादित होगी, तो देखिए यहाँ पे कहाँ पे बराबर हो रहा है, ध्यान से देखिए उसमें से देखिए 6 पर आके आपका बराबर हो रहा है, और कितना उत्पादित हो रहा है, 4 हो रहा है, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4, ठीक है। तो हम लोग सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लें, 1 से लेकर 40 तक का सॉल्यूशन हम लोग देख लिए, ठीक है। और अगर आप सेट वन का सॉल्यूशन अगर आप नहीं देखे हैं तो चैनल के ऊपर अवेलेबल है, आप जाके वहां से देख लीजिए, ठीक है। और ये सेट टू का हो गया, बहुत जल्द हम सेट 3 लेकर आने वाले हैं, ठीक है। उस तो चलिए वीडियो को समाप्त कर देते हैं, उससे पहले अगर चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबा के रखिएगा, ठीक है, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और हाँ, जिस तरह से हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप थोड़ा हमारे लिए ये कर दें कि दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, जय हिंद।